नरेंद्र मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या हुआ इस भाषण का? क्योंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हो गए जो ओपनली मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एक भाषण को लेकर जो उन्होंने कहा था। मगर उन्होंने ये कहा था कि देश में जो एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर डेवलपमेंट होना चाहिए और इनके साथ प्रोग्राम्स होना चाहिए जिसपे SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं इनको भी उसमें भागीदारी होना चाहिए और उसके साथ माइनॉरिटी इनका भी होना चाहिए। तो ये बाकी के चीज़ों को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और आज पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं।